क्रांति की जमीन नंदीग्राम में किसान नेता नए क्रांति के बीज बो रहे थे। ये आंदोलन की शुरुआत होगी ना, ऐसा भगाना पड़ेगा इसे। संदेश सीधा, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन हारने वाली पार्टी बीजेपी ही हो। शुभेंदु और ममता की चुनावी जंग ने फिर नंदीग्राम को सुर्खियों में ला दिया है। बंगाल की लड़ाई के सबसे बड़े मोर्चे पर किसान उतर आए, आपसे उम्मीद लेके आए हैं कि आप इस बार इस मोदी की पार्टी को धूल चिटा देंगे, वोट नहीं डालेंगे, चोट मारेंगे, वोट की चोट मारेंगे। नंदीग्राम में किसानों ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया, सरकार पर उद्योगपतियों के हित में दबाव बनाने के आरोप लगाए, महंगाई पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार को घेरा, MSP पर सरकार को घेरा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, आरोप लगाए सरकार प्रचार ज्यादा करती है काम कम। देश को बचाने के लिए हम बंगाल के भाइयों से अपील करने आए हैं कि इस बीजेपी पार्टी को देश से भगा दो। साथियों, ये पैसे वाली पार्टी है, ये खरीद लेती है। बंगाल के सियासी घमासान में किसान आंदोलन की एंट्री के मौके पर राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता नंदीग्राम पहुंचे थे। किसानों की महापंचायत का सीधा मकसद बंगाल में बीजेपी का चुनावी खेल खराब करना है। ठगी सरकार है दिल्ली की, उसे भगाओ जनता। और यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए, या क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से कहना चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? हम ये तो नहीं कहने के कि बीजेपी को दियो, किसी को दे लियो, इसे बीजेपी को मत देना। टिकैत मंच पर पहुंचे तो TMC का नारा खेला होबे को दोहरा दिया, बोले बीजेपी जीती तो न जाने किसके किसके साथ खेल करेगी, बंगाल में न जाने क्या होगा। क्या खेल होने वाला है देश में, खेला होए खेला, क्या खेला होए वो देखना है, वो बताएंगे हम। टिकैत ने ममता बनर्जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या बोल गए वो सुनिए। आप दिल्ली आकर आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहाँ पे इलेक्शन है, आप बीजेपी को हराने का काम करो, आप उसको वोट मत दो, उसको हराने का काम करना। वोट आपको किसको देनी है वो अपने आप तय कर लेना। जो भी आपको मजबूत कैंडिडेट लगता हो, बीजेपी को हरा सकता हो, आप उसको वोट दे देना। जो ये भगोड़े लोग हैं ना, जो अभी तक यहाँ पे मंत्री थे और फिर छोड़ के भागे, उनके सामने खड़े जा रहा। एक महिला यहाँ पे लड़ाई लड़ रही पूरे भारत सरकार से, उसको एक्सीडेंट करवा दिया, उसको हॉस्पिटल में डलवा दिया, आप देख लेना किसको आपको देना है वो। टिकैत ने चुन चुन कर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी बरगलाती है, फंसाती है और फिर बुरे हाल में छोड़ देती है। नंदीग्राम से पहले राकेश टिकैत कोलकाता में भी कृषि कानूनों की दलील देकर किसानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। राकेश टिकैत ने नंदीग्राम में नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हमला बोला, शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर उन्हें भगोड़ा कहा और आरोप लगाया कि उन्होंने ममता का भी नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि औरत पर हमला कर उसे घायल करवा दिया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि टिकैत की किसान महापंचायत का बंगाल में कोई असर नहीं होगा। किसानों को लेकर बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि ममता केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में लागू नहीं होने देती, किसानों को फायदा नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज तक लगभग 70 लाख किसानों को ये पैसा मिल जाता, कितना मिलता, एक एक किसान को 14,000 रुपए मिलता, एक साल का 6,000, 2,000, दो साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिला। 70 लाख किसानों को ममता जी चाइना होबेना होबेना। पश्चिम बंगाल की राजनीति में संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत वाली रणनीति कितनी कारगर होगी अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है,
क्योंकि 107 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बंगाल के किसानों की भागीदारी ना के बराबर ही है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, इनको जाते ही पकड़ेंगे, इनकी गोली भरक की सरकार की, ऐसे गोली भरक की छोड़ रानी सरकार को।